क्या था एस्ट्रोनोस्फेयर में? इज देयर एनीवन जिसमें डाउट है एस्ट्रोनोस्फेयर के बारे में, पूछ लो यार, अभी हम फिर हमें पकड़ना पड़ेगा। मैम आप फर्स्ट क्लास है? हाँ आपके पीछे, यू यू, हाँ अरे आपके वो आगे, अरे क्या नाम है आपका यार, थर्ड, वन टू थ्री, मैं आपके पीछे के पीछे, उनके पीछे। आपकी फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है, पहले आ चुके हो? नहीं, क्या नाम है, है? क्या सविता, सविता आप आ चुके हो क्लास में, पहली बार चेहरा देख रहे हैं आपका हम। हाँ आपको समझ में आ रहा है एस्ट्रोनोस्फीयर क्या होता है, दुर्बल मंडल क्या होता है, बताइए। देखिए मैं बताऊं बाद में, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये बार बार क्यों रिपीट करते हैं, इसका इसका मतलब है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें सब कुछ लिंक है, एक चीज छूटी अली चीज गायब हो जाएगी, क्लियर हुआ? और जिस दिन आपको जियोमॉर्फोलॉजी समझ में आ गया, ज्योग्राफी खत्म, क्योंकि अगला फिर क्या है, थ्योरी। फिर हम लिखवाएंगे यहाँ पर क्वास खड़े होकर और कुछ नहीं, कि ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है, अफ्रीका में ये पाया जाता है, यहाँ पर ये मैप है, यहाँ पर ये मैप है, इसको परिवहन बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, काम खत्म है। जो समझने वाला टॉपिक है वो है जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें बार बार रिपीट होने चीज़ें होंगी। हाँ तो बताइए कहाँ गई सविता, उधर से वहाँ खिसक गई, सीट चेंज कर ली, अरे दिखता है यहाँ से। हाँ सविता बताइए, एस्ट्रोनोस्फीयर नहीं आ रहा, चलो बताओ व्हाट इज एस्ट्रोनोस्फीयर, ध्रुवमंडल क्या है? हाँ नो मैम, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ मैम, अभी देखने दीजिए मुझे, सबसे देखने दीजिए, आप तो आपकी फर्स्ट क्लास है, आपको नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, पता ही होगा लेकिन नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये देख लीजिए जिनको पता होना चाहिए। हाँ राइट, चलिए क्लियर है आपको, नहीं क्लियर है अभी ना, दुर्बल मंडल एस्ट्रोनोस्फीयर। हाँ बताइए मैम व्हाट यू आर सेइंग, राइट, इट इज बियॉन्ड द क्रस्ट एंड अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल, राइट, ऑन विच द क्रस्ट इज फ्लोइंग, इज फ्लोटिंग ऑन दिस थिंग। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, आप समझ में आया जो कल पढ़ाया था आपको, नहीं पढ़ाया आया सविता, समझ लीजिए एस्थोनोस्फेयर या दुर्बल मंडल ऊपर ऊपरी मेंटल के ऊपर का स्थान है जिसके ऊपर क्रस्ट तैरती हुई अवस्था पे, और ये तैरती हुई अवस्था में क्यों है, क्योंकि दुर्बल मंडल या एस्थोनोस्फेयर इज इन द स्टेट ऑफ प्लाज्मा, वो प्लाज्मा की अवस्था में है। प्लाज्मा का मतलब क्या हो गया, नॉट लिक्विड एंड नॉट टू सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड के बीच में की कंडीशन में है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ये तैरता हुआ है। इसी वजह से हम बात करते हैं क्या कि प्लेटें आपस में टकराती हैं, मुड़ती हैं, जो कुछ भी प्लेटों का संचलन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर ऑन एस्थोनोस्फीयर। अगर बेस सॉलिड होता तो ये मूवमेंट होता ही नहीं, ठीक, तो जो जैसा था पेंजिया था तो पेंजिया बना रहता, ठीक है ना, पेंजिया एंड पेंथलासा, समझ में आ रहा है? हाँ चलिए, तो हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि केंद्रीय उद्गार और मार्जिनल उद्गार है, हम यहां हाँ क्या पूछने जा रहे हैं, यहां पर और यहां का दोनों का सोर्स क्या है, दोनों का सोर्स एक है, राइट, इट कैन बी बोथ एस्थोनोस्फीयर एंड आउटर कोर, दोनों ही हो सकते हैं, दोनों के केस में दोनों ही हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है उसकी टेंडेंसी पर कि कितने कितनी बार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। जैसे अगर दोनों में लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, मतलब रेगुलर हो रहा है, कभी बंद ही नहीं हुआ, देन इट इज नोन एज व्हाट, हॉटस्पॉट्स, एंड व्हेन इट इज नोन एज हॉटस्पॉट्स, तो हॉटस्पॉट्स का सोर्स क्या होता है, आउटर कोर, क्योंकि वहां पर है लिक्विड, गॉट इट, समझ में आ गया, इस वजह से ये लिक्विड और हाँ हाँ अब ये फिर आ जाओ, फिर पहला चैप्टर, पहला चीज है लिक्विड ऊपर क्यों आता है, हम बात कर रहे हैं दोनों के केस में, राइट, हम बात कर रहे हैं कोर से, ये आउटर कोर से बाहर निकलता है, तो आउटर कोर का मतलब हो गया जाके 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर के आसपास का एरिया, राइट, बिटवीन 2900 टू 5100, मतलब और नीचे चले जाओ 5100 किलोमीटर के आसपास का एरिया,
इतने नीचे से ऊपर क्यों आता है और कैसे आता है? हाँ, कैपिलरी रिएक्शन होता है, चलिए मान लिया किसी का, तो उसके अभी बताया बात, हमने बात नहीं किया, लेकिन आपके मोशन क्लास ने बोल दिया कैपिलरी रिएक्शन होता है, ठीक है, धीरे धीरे दरारों से ऊपर आता है, जैसे हमारे उसमें लालटेन में माचिस आता है ना, उसमें लालटेन में मिट्टी के तेल ऊपर आता है, इसको बोलते हैं कैपिलरी रिएक्शन, केशिकत्व उसको बोलते हैं, वो होता है, चलिए मान लिए, लेकिन क्यों वो भी क्यों होता है? सॉरी, प्रेशर, प्रेशर दबाएगा नीचे, ऊपर कैसे लेगा? तो डेंसिटी इंक्रीज होने से क्या मतलब है? पूरा सेंटेंस बोलिए। तो हाँ रवि, रवि क्यों हो रहा है ये बच्चा, जाना बताना बहुत जरूरी, पिछला बताया था, इसीलिए बताया था कि यहां सब चीजें हों, अब यहां से आपको रिकॉल होनी चाहिए, एनालाइज करिए तुरंत क्यों होता है। हाँ मैम, पीछे आप सबसे लास्ट में। हाँ तो प्रेशर तो ऊपर से नीचे जाएगा, तो नीचे से ऊपर कैसे जा रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है ना प्रेशर, प्रेशर का मतलब इतना दबाव, तो सॉलिड ऊपर आएगा, हम सॉलिड हैं, हम ऊपर चले जाते हैं, इसको ये ऊपर चला जाए, हम लिक्विड है नीचे, सॉलिड कहाँ है, तो वो ऊपर कैसे आता है? तो नीचे जाएगा। अरे यार, इसको प्रेशर दे तो ये ऊपर जाएगा कैसे? अच्छा, लिक्विड और प्रेशर देंगे तो इसे, लो प्रेशर दे रहे, जा रहा नीचे, ऊपर कहाँ जा रहा है? जा रहा है क्या? लो दबा रहे हैं इसको, कहाँ जा रहा है? नहीं, प्रेशर से मतलब नहीं। हाँ पीछे, तो जाए वो वीक तो होगी बाद में ना, जब वो जाएगा टकराएगा तब वो वीक करेगा, वो तो बाद में होगा, जब वो जाएगा ही नहीं तो कैसे वीक होगा, वो तो ऐसे पड़ा हुआ है, चलता रहे, घूमता रहे, अपना आपसे मंडराता रहे। यस, दिस इज द ब्यूटीफुल आंसर, यही है रीजन। कन्वेक्शन करंट अकर्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर एंड व्हेन द चेंज इन डेंसिटी, ये बताया था मैंने आपको उस दिन, यही मेन कंडीशन है। कंडीशन समझिए आप लोग, जब भी हम बात कर रहे हैं संवहनीय धाराओं की, संवहनीय धाराएं तभी बनेंगी जब चेंज इन डेंसिटी होगा। ये बताया था मैंने आपको उस दिन, मैगी बनवाकर और चाय बनवाकर, याद आ रहा है कि जब चाय रखते हो आप भगोने में तो नीचे से क्या होता है, आप हीट देते हो, जैसे ही हीट देते हो वहां की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ऊपर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ज्यादा रहेगी, तो कम से ऊपर की तरफ भागता है। तो मेरा नहीं आ रहा है, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ भागेगा और ऊपर से फिर नीचे की तरफ आएगा, ये कवरेज धीरे धीरे ऊपर से नीचे तब तक बना रहेगा जब तक क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो कन्वेक्शन करंट आकर संवहनीय धाराओं का निर्माण केवल और केवल तभी होगा जब देयर इज अ चेंज इन डेंसिटी या वेरिएशन इन डेंसिटी एंड द वेरिएशन इन टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? यही कारण है, यही कारण है, नीचे की डेंसिटी ज्यादा क्या है, कम है, ज्यादा है, ज्यादा है, और ऊपर की डेंसिटी क्या है, कम है। ऊपर की डेंसिटी क्रस्ट में कितनी थी, कल बताया था मैंने आपको, लगभग 2.9, और उसमें कितनी है, ओशन में कितनी है, लगभग 3, क्लियर, कॉन्टिनेंट्स पर 2.9 समथिंग, एंड और उसमें कितना है, ओशन में कितना है, 3, क्लियर, ओशनिक प्लेट्स आर मोर डेंस, क्लियर, और नीचे की डेंसिटी कितनी है बताइए, लगभग मान के चलिए 11.3 के लगभग, इंटरनली लेके जाए तो 13.6, मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आउटर कोर की डेंसिटी कितनी होती है, लगभग 11.3। अब देखिए, यहाँ पर 11.3 डेंसिटी और यहाँ पर है लगभग 3 की डेंसिटी, तो देयर इज अ चेंज इन डेंसिटी, और तापमान कितना है लगभग, यहाँ पर यहाँ का एवरेज तापमान जो होता है वो कितना होता है, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम अगर जोड़ लें आप, राइट, और नीचे की हम बात करते चले जाएंगे तो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस, देयर इज एन एक्यूट चेंज इन द टेम्परेचर, राइट, इसी वजह से यहां से यहां की तरफ चला जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, राइट, और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इट्स एक्ट्स लाइक अ कैपिलरी, केशिकत्व की तरह ये धीरे धीरे ऊपर चला जाता है, लोकेशन में समझ रहे ना, कैपिलरी एक्शन की तरह, पतली महीन नालिकाओं से के माध्यम से ये कहां जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा,
राइट, धीरे 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 ये ऊपर की तरफ सारा का सारा मैग्मा कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर की तरफ, और जब ऊपर की तरफ पहुंचेगा तो वहां पे मिलेगा इसको क्या, प्लेटें कमजोर होनी शुरू होंगी, एंड देन वहां से क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शंस।